हेलो तो गाइस, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग और जय श्री राम। दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं। दोस्त, तुम्हारा भाई का जो रूटीन था बहुत हार्ड था। दोस्तों, तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी लोड भी कर लिया। दोस्तों, भाई लोड करने का दोस्तों सीन ऐसा हुआ कि भाई हम लोड करने में सब कुछ दिखाते आपको, पर दिखा इसलिए नहीं पाए क्योंकि भाई अंदर फोटोग्राफी फैक्ट्री के बंद थी, पर हमने बाहर से ही हल्की सी वीडियो ले ली थी फैक्ट्री के। और दोस्तों, तुम्हारा भाई जस्ट अभी अभी उठाया। दोस्तों, हमने फैक्ट्री से पता है कहाँ से माल भरा है? दोस्तों, हमने माल भरा है दोस्तों वेस्ट बंगाल असनसोल से माल भरा है। दोस्तों, हमने बरनपुर से ये माल हमारा जाएगा रुड़की। दोस्तों, तो अभी जस्ट ट्रांसपोर्ट से आया था मैं, धनबाद पहुँच गया हूँ। दोस्तों, धनबाद से मैं ये ट्रांसपोर्ट पे आया था, कागज लिए हैं अपने, कागज हैं मेरे सारे, पेपर ओके हैं, पेपर रुड़की के। तो अभी प्रेशर बना रहे हैं, जस्ट अभी उठा था मैं। दोस्तों, प्रेशर बनाएंगे, तेल भरवाएंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। उसके बाद डीजल वीजल भरवा के फिर चलेंगे। और आज पता नहीं कहाँ तक जाएंगे यार। दोस्तों, अब आराम आराम से जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा सफर है रुड़की का। अपने कलकत्ता गाड़ी खाली हो ही गई थी, वो भी आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। दोस्तों, गाड़ी भरने आया ना दोस्तों, तो हमारा बहुत उल्टा सिस्टम हुआ। हमें रात के 2 बजे कॉल आया दोस्तों ट्रांसपोर्टर से कि भाई गाड़ी लेके बरनपुर असनसोल आया हो। हम असनसोल चले गए, फिर सुबह ना उठने का पता चला। दोस्तों, जैसे ही पहुंचे सुबह 1 घंटा सोए, उसके बाद उठते ही सार गाड़ी भर गई। गाड़ी भरने के बाद बाहर गाड़ी लगाई, उसके बाद कल रात को 9:30 बजे वहाँ नो एंट्री भी रहती है ना दोस्तों, 10 बजे खुलती है वो। नो एंट्री खुलने के बाद जस्ट मैं फिर यहाँ आ गया धनबाद, खड़ी करी यहाँ अपनी ट्रांसपोर्ट है। दोस्तों, तो यहाँ से गाड़ी का मतलब काम हो गया है, कागज हमने ले लिया है। दोस्तों, अब चलते हैं, तेल भरवाएंगे, प्रेशर बन गया है और चलते हैं तुम्हारा भाई आराम आराम से। वो सामने ही है पेट्रोल पंप भारत का और वही तेल भरवाते हैं। दोस्तों, मतलब दोस्तों मैंने तुम्हें दिखा नहीं पाया कि मेरी गाड़ी कैसे लोड हुई, क्योंकि भाई उस फैक्ट्री में दोस्तों वीडियोग्राफी बंद थी क्योंकि वो गवर्नमेंट फैक्ट्री थी। दोस्तों, और वेस्ट बंगाल का जो सीन है ना दोस्तों बहुत ही गलत है। वेस्ट बंगाल का जो सीन रहता है तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे यार। दोस्तों, मैं आपको अभी आके जाके कुछ वादियाँ दिखाऊंगा झारखंड में। आप झारखंड बहुत ही अच्छा स्टेट है दोस्तों, इधर भी उत्तराखंड की तरह थोड़ी बहुत वादियाँ हैं, पर सूखे पहाड़ ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है दोस्तों। और खैर, आजकल तो ठंड भी बहुत हो रही है दोस्तों, हमारे पास वो ही नहीं है, खड़के का कपड़े लाए ही नहीं दोस्तों, यार टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों। एक तो मैं सही बताऊँ आपको, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। फाइनली भाई पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं और अभी मुंह हाथ धोने जा रहा हूं मैं। वो दे दियो भाई टॉवल मेरा, तो भाई मुंह हाथ धोता हूं, साबुन भी दे दे। फाइनली दोस्तों, ये मेरी गाड़ी में तार के बंडल लोड हुए हैं और तुम्हारा भाई अब तेल डलवाएगा गाड़ी में। 15,000 का तेल डलेगा मेरी गाड़ी में। और वो देखो अपना दूसरा भाई। और भाई लॉन्डो क्या हाल है? ठीक है भाई। और ये भाई अपनी दूसरी गाड़ी है दोस्तों, डीजल फुल करा रहे हैं। हाँ, डीजल फुल करा रहे हैं भाई। और आगे कहाँ बाल कटवाएगा? तो दोस्तों, तुम्हारे भाई की दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो रही है, आज बाल वाल कटवाए जाएंगे। कहाँ कटवाएगा बाल? देखते हैं, कहीं रास्ते में रोकते हैं। हाँ, कहीं रुको यार, बाल कटवा, दाढ़ी कटवा, नहाएंगे भी। और भाई लोंडे क्या हाल है? शर्मा गया दोस्तों, ये शर्मा गया दोस्तों, शर्मा गया ये। क्या 15,000 का डीजल लेगा यार दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों, बहुत मतलब सीन होने वाला है आज, बाल कटवाने। देखो दाढ़ी कितनी बड़ी बड़ी हो रही है दोस्तों, टाइम ही नहीं मिलता। एक ना गाड़ी पे आप आ जाते ना तो टाइम देना किसी को दोस्तों, कॉल भी नहीं कर पाते आप,
खुद को देने के लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास, तो ऐसा हो जाता है दोस्तों। देखो कितनी हार्ड लोड हो रखी है, देखो दोस्तों गाड़ी बिल्कुल तारे ही तारे चमक रही है ऊपर। ओ भाई दो दो गाड़ियां हैं दोस्तों, दोनों ही 22 टायर हैं दोस्तों, ये वो भी 22 टायर है। बनारस पूरा 400 किलोमीटर है दोस्तों, अभी बॉर्डर पार करने हैं। पहला बॉर्डर आएगा अपना गया धोबी बॉर्डर, उसके बाद आएगा नौबतपुर बॉर्डर, दो बॉर्डर है दोस्तों। आज जहाँ तक चलेगी वहाँ तक चलाएंगे दोस्तों, सफ़र भी काफ़ी लंबा है और गाड़ियाँ माल भी बहुत ऐसा है कि और घाट भी है दोस्तों, तगड़े ढलान आने वाले हैं दोस्तों। तो अपने को आराम से चलानी है, धीरे चलानी है गाड़ी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। वीडियो में मजा आ रहा होगा तो दोस्तों लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जाके फॉलो करें, अपने भाई को छोटे भाई को फॉलो करें। और भाई दोस्तों उसमें जो रील्स पड़ी है ना आग लगा देगी दोस्तों, तो ये देखो चढ़ाई आती है, चढ़ाई चढ़ाते हैं। फाइनली तुम्हारा भाई झारखंड में तोपचांची आ गया है। और ये देखो दोस्तों चाचा की दुकान, जब भी कुछ सामान लेना हो हथियार तो भाई के पास है अपने, और मैं लेने वाला हूँ कुछ, देखते हैं गाड़ी के लिए अब यू रखना पड़ेगा एक हथियार। तो ये कितने का है चाचा? 750 रुपए का दोस्तों ये हथियार है, चीर बार। ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत प्यारी चीज है, कोई ऐसी चीज दो जो छोटी 1200 रुपए का है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? भुक्ती बोलते हैं। और ये तलवार है और ये चाप है और ये गन है, ये रामपुरी चाकू उंगली रख के कट कर दो। इस पीछे लाइट वाले जुगाड़ है, ये मस्त उसे भी तो बड़ा भी कर सकते हैं।
कोलंबिया, अमेरिका में है दोस्तों कोलंबिया, और ये फॉरेन कंट्री का माल है और इसे खोलने के लिए है। नहीं नहीं थोड़ा हिंदुस्तान ले जाने, ये ले जाता बंदूक ले जाता, हमारे भाई ने ले लिया है हथियार, बंदूक ले जाती है, काम आएगा दोस्तों, ऐसे हमें किसी को ऐसे काम करने के लिए लेते नहीं, पर ये ऐसी ही रख लिया, घर को दे देंगे एक बार, ठीक लगा, अच्छा है, यूएसए का माल है, महाराष्ट्र हरियाणा पंजाब उसे फॉरेन कंट्री का माल है दोस्तों, फाइनली ले लिया है और अब चलने वाला है तुम्हारा भाई यहाँ से गाड़ी लेके। फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने ले लिया, एक कुर्ती ले लिया दोस्तों, तो अब चलते हैं गाड़ी लेके, तो ये देख लो चाचा की दुकान, पिछला कट्टा देने झारखंड में दोस्तों, टॉप चाची, और ये लोकेशन देख लो दोस्तों, क्या सारी लाइन से यही गांव की दुकान है, लीगल बिजनेस है दोस्तों, ये एकदम एक नंबर का काम है, वो देखो व्यू देखो दोस्तों, झारखंड का काफ़ी सेक्सी व्यू है दोस्तों, ये गाड़ी की पार्टी फैल गई है दोस्तों, अब बेल्ट लगा रहे हैं, ये दूसरी गाड़ी है अपने उधर की है। फाइनली दोस्त तुम्हारा भाई आ गया टॉप चाची, और भाई यहाँ की फेमस चीज मैंने आपको दिखा दी है, अब यहाँ से चल लेंगे थोड़ी सी देर में, गाड़ी थोड़ी ठंडी सी हो जाएगी, तो चलते हैं फिर दोस्तों, आगे बहुत लंबा सफर रहने वाला है, माल हमारा रुड़की का है दोस्तों, अभी तो हम टॉप चाची आए हैं, चाची के बाद अभी हमें दो बॉर्डर पार भी करने हैं, तब जाके हम यूपी में घुसेंगे, यूपी के बाद फिर उत्तराखंड बॉर्डर आएगा, देखो व्यू देखो दोस्तों झारखंड का, काफ़ी काफ़ी बेहतरीन जगह है दोस्तों झारखंड भी, पर यहाँ दोस्तों सूखे पहाड़ हैं, हमारे उधर उत्तराखंड में पहाड़ों से पानी निकलता है, पर यहाँ यहाँ पे नहीं निकलता दोस्तों, यहाँ सूखे पहाड़ है ना।